I shall be speaking on respiratory tools like bronchoscopy and EBUS. What is a EBUS? EBUS is endobronchial ultrasound. Likewise, normal ultrasound जैसे radiology में रहते हैं, ultrasound machines पे रहते हैं. So endobronchial ultrasound is a simple ultrasound machine that can see internal parts of lung, जो कि define करता है endobronchial ultrasound, जिसको हम बोलते हैं EBUS. So जो endobronchial ultrasound की बात करें, so ये काफ़ी कॉस्टली टूल है जो कि अराउंड 1 crore का पड़ता है. सो एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड इज अवेलेबल इन मेजर कॉरपोरेट हॉस्पिटल. सो ब्रोंकोस्कोपी और ईबस में कैसे डिफ्रेंशिएट करें? अगर ब्रोंकोस्कोपी की बात करें तो हम लंग के अंदर देख सकते हैं राइट और लेफ्ट, जो कि ल्यूमन के अंदर देख सकते हैं, जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर देख सकते हैं. अगर हम एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड की बात करें सो वो भी उसी तरह ही किया जाता है कि हम ट्रेकिया और ब्रोंकाई के थ्रू जाते हैं, बट एक ऐसा चैनल और एक ऐसा माध्यम होता है एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड में जिससे कि हम सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. जैसे कि हम ट्रेकिया या ब्रोंकाई के अंदर एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड एक्टिवेट कर दें मशीन में, तो हमें सराउंडिंग स्ट्रक्चर ट्रेकिया के दिख जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड्स होते हैं. अगर लिम्फ नोड हमारे इनलार्ज हैं ट्रेकिया के अंदर या सराउंडिंग स्ट्रक्चर जैसे मीडियास्टेनम के अंदर या अंदर चेस्ट के अंदर, सो वो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, लिम्फ नोड हैं, वो हमें ईबस से देख सकते हैं और इजीली उनको पंचर करके एफएनएसी या बायोप्सी भी ले सकते हैं. ये काफ़ी सिंपल डायग्नोस्टिक टूल रहता है जिससे कि हमें कभी भी किसी लंग बायोप्सी का सैंपल लेना है या कोई भी मास लीजन है लंग के अंदर, सो ईबस के थ्रू हम जाएंगे और सिंपल लिम्फ नोड से बायोप्सी और कोई भी लंग मास या कोई भी ऐसी पैथोलॉजी है जो कि अनडायग्नोस्ड है, ईबस से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तभी वो डायग्नोसिस बनता है, तभी ट्रीटमेंट उसी से कारगर सिद्ध होता है. ईबस जो प्रोसीजर है ये हर एक पेशेंट में नहीं किया जाता है, ये उन्हीं पेशेंट्स में किया जाता है जिनके अंदर सीटी स्कैन के अंदर सराउंडिंग मीडियास्टेनल, जो कि हमारी छाती के अंदर बड़े बड़े लिम्फ नोड हों, इनलार्ज हो, और जिनका पता ना लगे कि ये लिम्फ नोड इनलार्ज क्यों हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली किसी भी काइंड ऑफ नॉर्मल इन्फेक्शन में लिम्फ नोड नहीं इनलार्ज होते हैं. जैसे कि टीबी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सार्कोइड काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून इन्फेक्शन है, कैंसर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है. सो जितने भी हमारी छाती के अंदर लिम्फ नोड अगर साइज मोर देन 1 cm लिखा है और लगता है कि हमें प्रॉब्लम है, तो उन्हीं के अंदर एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड और ईबस किया जाता है और काफ़ी सेफली किया जाता है. ये लोकल एनेस्थीसिया और अराउंड डे केयर प्रोसीजर होता है जो कि आप आते हैं और इजीली पेशेंट्स को डे केयर में रखा जाता है. लाइट सेडेशन और समटाइम पेशेंट्स को लाइट सेडेशन नहीं तो हम जीए में भी करते हैं इस प्रोसीजर को, जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम रहती हैं बिकॉज सेफली इसको किया जाता है और पल्मोनोलॉजिस्ट इसको करते हैं ईबस को. और जितने भी लिम्फ नोड स्टेशन है, लगता है कि यहाँ पैथोलॉजी है, वहाँ पैथोलॉजी है, वहाँ से सैंपल लेके बाहर हम इंस्ट्रूमेंट को निकाल देते हैं और उसके बाद पेशेंट को स्लोली जीए से आउट करते हैं और कंफर्टेबली पेशेंट 3-4 hours of procedure अपने घर भी जा सकते हैं.